नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुमला पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गुमला थाना क्षेत्र के टोटो गांव निवासी परवेज आलम नामक नक्सली समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली समर्थक गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहे हैं। संवेदकों को डरा धमका कर नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का काम हो रहा है और पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार समर्थक उग्रवादियों को विस्फोटक पदार्थ पहुंचाने, लेवी वसूलने, राशन पहुंचाने के अलावा पुलिस गतिविधियों की सूचना देने का भी काम करता था। गुमला जिला अंतर्गत जो है अगर ये नक्सली उग्रवादी और उनके समर्थकों के विरुद्ध जो है निरंतर जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनके अलग अलग ठिकानों पर छापामारी की जा रही है और उनकी जो उनकी गतिविधि है उसका सत्यापन किया जा रहा है। उसी क्रम में एक फरार माओवादी समर्थक परवेज आलम, जो कि टोटो क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, उनकी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वो छुप कर रह रहे हैं और उसी क्रम में जो है कुरमगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो है एक टीम का गठन किया गया है और उसके द्वारा छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया है। इनका पूर्व में भी जो है आपराधिक इतिहास नक्सली गतिविधि के संबंध में रहा है। पूर्व में भी जो है इनके द्वारा अलग अलग तरीके से उनको विस्फोटक पदार्थ और राशन लेवी का पैसा को ट्रांसपोर्ट करना और अलग अलग तरीके से जो है उनको मदद की है। पुलिस के बारे में सूचना देना, पुलिस को कैसे टारगेट करना है उसके बारे में हेल्प करना, तो ये सब इनकी गतिविधि रही है। अभी भी हाल फिलहाल में ये कोशिश कर रहे थे फिर से जो है अपना जो भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं उनको किसी तरह से दोबारा से पुलिस की मूवमेंट के बारे में सूचना देनी और उनको दोबारा से वापस से जो है उनको सपोर्ट करके मजबूत करने की, उसी के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया। XLRI के प्लेटिनियम जुबली समारोह में 10 दिसंबर को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि XLRI जमशेदपुर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनियम जुबली समारोह का आयोजन कर रहा है। समारोह को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को सोनारी एयरपोर्ट से XLRI तक मॉक ड्रिल किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन, XLRI के डायरेक्टर फादर एस जॉर्ज फर्नांडिस भी उपस्थित रहेंगे। धनबाद जेल में बंद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में शूटर से गैंगस्टर बन अमन सिंह को 9 गोली मारने वाले शूटर सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव को जेल भेज दिया गया। वो पिछले 5 दिनों से धनबाद पुलिस के रिमांड पर था। पूछताछ के दौरान रोहित ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए जो इस हत्याकांड की गुत्थियों को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि धनबाद पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं दूसरी ओर धनबाद पहुंचे जेल आईजी ने जांच के दौरान जेल अधीक्षक को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी पाया। उनके ऊपर अनुशासनहीनता, जेल मैनुअल का पालन करने में असफल रहने समेत कई अन्य मामलों को लेकर जल्द कार्रवाई की बात कही है। जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने जेल अधीक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की है। सीएमओ पूरे मामले को देख रहा है, वहां से कभी भी निलंबन की सूचना आ सकती है। आप देख सकते हैं कि जो आरोपी सुंदर यादव है, सुंदर महतो उर्फ रोहित, सुंदर महतो जो आरोपी है जिसने अमन आप देख सकते हैं कि जो आरोपी सुंदर यादव है, सुंदर महतो उर्फ रोहित, सुंदर महतो जो आरोपी है जिसने अमन सराम आप देख सकते हैं कि जो आरोपी सुंदर यादव है, सुंदर महतो उर्फ रोहित,